हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारा आज का टॉपिक है डायगोनल स्केल विकर्ण मापिनी, है ना? ठीक है, विकर्ण मापिनी कैसे बनाएंगे वो पढ़ते हैं, है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक विकर्ण मापिनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सके, इससे अधिकतम 5 मीटर दूरी मापी जा सके तथा, है ना, 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर में प्रदर्शित करती है। इस स्केल पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाई है। ठीक है, एक विकर्ण मापनी की रचना करनी है, ठीक है, जिसकी अधिकतम लंबाई, जिसमें क्या क्या नापा जा सके, मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर, है ना। इसकी अधिकतम लंबाई 5 मीटर दी है तथा एक स्केल दिया है 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर में प्रदर्शित करना है। इससे क्या निकलेगा, हमारा RF निकलेगा, है ना। तो RF का फॉर्मूला क्या है, निरूपक भिन्न का, ड्राइंग पर दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब ड्राइंग पर दूरी क्या क्या बोला है, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर में दर्शाना है, तो 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। अब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो RF हमारा आया 1/50। स्केल की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, स्केल की लंबाई बराबर RF गुणित अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। अब 1/50 गुणित 5 मीटर, अब 5 मीटर है, उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह स्केल की लंबाई हमारी क्या आई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं 10 सेंटीमीटर का और उसको एक स्केल की भांति बॉक्स बना देते हैं, है ना। ठीक है, अब इसको कितना 5 मीटर बोला है ना, तो 5 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। इसका विधि क्या है, लाइन डिवाइडिंग विधि, या फिर, है ना, सिंपल आप स्केल से भी विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन रेखा विभाजन की विधि जो है उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, ठीक, अब हम इसको 5 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं और एक एक, इसका देखिए 5 भागों में विभाजित हो गया, इसका एक एक खाना क्या है, 1-1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब पहले खाने को, है ना, एक ये क्या है, 5 खाना 1-1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। अब पहला खाना को हम 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे और उसका 1-1 खाना 1-1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, लाइन डिवाइडिंग विधि सेम, एक कोई सा भी एंगल का कोण लेंगे, उसको 10 बराबर भागों में डिवाइड चाप काट देंगे, है ना, प्रकार के थ्रू, और उसके लाइन को लास्ट वाले चाप को कॉर्नर वाले लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, देखिए ये लास्ट वाला, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसी के पैरेलल सारे लाइन को खींचेंगे, तो ये 10 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो हिस्सा है ना, जो 10 पॉइंट मिले डाउन वाली लाइन पे, इसके लास्ट वाले को ऊपर वाले के कॉर्नर से मिलाएंगे डायगोनली, इसी के पैरेलल सारे लाइंस को मिलाएंगे। ठीक है, इससे हम कह रहा एक डायगोनल स्केल का एक भाग क्या है, ये एक हिस्सा कौन सा है, 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें, ठीक है, इसको और विभाजन करेंगे सेंटीमीटर वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, है ना, सेम इसको 10 भाग में डिवाइडिंग करेंगे लाइन डिवाइडिंग मेथड से। ठीक है, कैसे करेंगे, एक तिरछा लाइन खींचेंगे, है ना, कोई सा भी एंगल का, और उसको प्रकार के थ्रू चाप काटेंगे 10 बराबर भाग और लास्ट वाला हिस्सा, है ना, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको लास्ट वाले से मिलाएंगे और इसी के पैरेलली सारी लाइंस को मिलाएंगे, है ना। ठीक है, और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा एक एक खाना कितने का है, 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 10 बराबर भागों में 10 सेंटीमीटर में बढ़ गया। ठीक, अब नेमिंग कर देंगे, क्या ये बड़ा वाला पैमाना कौन सा, मीटर पैमाना, ये छोटा वाला ये पहला खाना डेसीमीटर और ये जो वर्ड हॉरिजेंटली है वो हमारा कौन सा है, सेंटीमीटर को शो करता है। ठीक है, नंबरिंग 0, 0, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, है ना, और ये लास्ट वाला 500 मीटर। ठीक है, और ये, ठीक है, ये कौन सा है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, या फिर 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, ऐसा। ठीक है, और ये वाला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर भागों में डिवाइड हो गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये हम गए 3 मीटर में, गए 0 से पहले 3 मीटर में मार्क किए, उसके बाद डेसीमीटर वाला कितना डेसीमीटर बोला है, 5 डेसीमीटर, मतलब ये 50 वाला,
है ना, 50 वाले में मार्क किए और 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर वाले में, और इसको मिला दिए, इनके बीच की जो दूरी हमको प्राप्त होती है वो हमारी क्या है, 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू।